कल भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी प्रमुख आदेश गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान आदेश गुप्ता ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री के काम सराहनीय है, चाहे पोषण अभियान हो या उज्ज्वला योजना। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। फिर उज्ज्वला योजना हो और महिला सशक्तिकरण के लिए जो मोदी जी ने काम किए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसमें पोषण अभियान जिसको महिला मोर्चा ने अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम लिया है उसको लेकर जाएंगे। और खास बात है कि आज दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं के नाम पर, जिन्होंने घोषणाएं बहुत की थी, कहा था बसों में मार्शल लगाएंगे, महिला सुरक्षा पर काम करेंगे, और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि ऐसी सरकार उस पर काम नहीं कर रही है, पूरी तरह से फेल हुई है। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा आने वाले समय में एक बड़ा अभियान, हम 1000 कॉर्नर मीटिंग करने वाले हैं जिसमें महिलाओं को, वो हमारे एनजीओ चलाने वाली, सामाजिक संगठन चलाने वाली, सामाजिक काम करने वाली और इसके साथ साथ विभिन्न फोरम पे काम करने वाली महिलाओं को हम जोड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 1000 कॉर्नर मीटिंग करने वाली है, ऐसी योजना बनी है। बाकी महिला मोर्चा लगातार महिलाओं के विषय पर संघर्ष। बता दें कि उन्होंने दिल्ली में लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों को लेकर भी दिल्ली सरकार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान दिल्ली सरकार ने कई वादे किए थे जो कि पूरे नहीं हुए।